मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। राज कपूर भारतीय फिल्मों के बहुत लोकप्रिय अभिनेता रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पहचान हिंदी सिनेमा में एक अभिनेता के साथ साथ एक निर्देशक और एक निर्माता के रूप में भी बनाई है। राज कपूर को उनके फैंस द्वारा बहुत से नाम दिए गए हैं, जैसे कि राज साहेब, भारतीय फिल्मों के चार्ली चैपलिन, द शोमैन इत्यादि। राज कपूर द्वारा अभिनय किए गए फिल्मों की बात करें तो उन्होंने जेल यात्रा, बरसात, आवारा, श्री 420, जागते रहो, शारदा, परवरिश, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर, धर्म करम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, कल आज और कल, संगम जैसी फिल्मों में अभिनय को दर्शाया है। राज कपूर को हिंदी सिनेमा में सन 1935 से 1988 तक देखा गया था। उन्होंने कई सारी हिट फिल्मों में अभिनय किया था और उनके द्वारा हिंदी सिनेमा को दिए गए योगदान की वजह से ही उन्हें कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। उनका जन्म पठानी हिंदू परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रणबीर राज कपूर था। उनके पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर तथा उनकी माता का नाम रामचरणी देवी कपूर था। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा के कपूर परिवार में जन्म लिया था। राज कपूर के चार भाई थे, जिनका नाम शशि कपूर, शम्मी कपूर, नंदी कपूर और देवी कपूर था। राज की एक बहन भी थी, जिनका नाम उर्मिला सियाल कपूर था। राज कपूर ने अपने स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवियर्स कोलगेट स्कूल देहरादून में पढ़ी थी। राज कपूर कक्षा 6 में फेल हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया था। राज को बचपन से ही अभिनय करने का शौक था और उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दी थी। राज कपूर का देहांत 2 जून 1988 को हुआ था और उस समय उनकी उम्र 63 साल की थी। राज कपूर कुछ समय से अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे थे और उनका देहांत भी इसी कारण से हुआ था। राज की तबीयत जब ज़्यादा खराब होने लगी थी तब उन्हें दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में भर्ती कराया गया था। यही राज ने अपने आखिरी सांसें ली। राज कपूर अपने आखिरी समय में फिल्म हिना की शूटिंग से जुड़े थे। इस फिल्म को बाद में राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर द्वारा पूरा किया गया, जिसके बाद फिल्म को 1991 में रिलीज किया गया था। राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के एक यादगार अभिनेता माने जाते हैं। राज कपूर ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 1935 में एक बाल किरदार के रूप में की थी। उस फिल्म का नाम इनकलाब था। सन 1943 से राज कपूर को एक युवा अभिनेता के रूप में फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा जाने लगा था। उनकी उस साल की फिल्म का नाम गौरी था, जिसके निर्देशक केदारनाथ शर्मा थे। फिल्म में राज कपूर ने एक छोटा सा किरदार अभिनय किया था। सन 1947 की बात करें तो उस साल राज ने गजानन जागीरदार द्वारा निर्देशित फिल्म जेल यात्रा में एक छोटे से किरदार को दर्शाया था। उसी साल राज को फिल्म नीलकमल में देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक केदारनाथ शर्मा ही थे और यह फिल्म राज कपूर की पहली मुख्य किरदार को दर्शा रही फिल्म थी। फिल्म में राज ने मधुसूदन नाम के किरदार को दर्शाया था। सन 1984 में राज ने एक अभिनेता के साथ साथ फिल्म आग में एक निर्माता और एक निर्देशक की भूमिका भी निभाई थी। इस फिल्म में राज ने खन्ना नाम का किरदार दर्शाया था। राज कपूर की कंपनी का नाम आरके फिल्म्स था। सन 1949 में राज ने फिल्म अंदाज में अभिनय किया था। इस फिल्म में राज ने राजन नाम का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म में राज के साथ दिलीप कुमार और नरगिस ने मुख्य किरदारों को दर्शाया था। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। उसी साल राज ने फिल्म बरसात में प्राण नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक वो खुद थे। इस फिल्म में राज ने नरगिस के साथ मुख्य किरदार किया था। यह फिल्म सिनेमा में दर्शकों द्वारा कुछ खास पसंद नहीं की गई। सन 1950 में राज ने सरगम में एक सहायक किरदार दर्शाया। सन 1951 में राज कपूर ने अपने अभिनय को साबित करते हुए जनता के बीच
अपनी लोकप्रियता को बढ़ावा दिया था। इस फिल्म का नाम था आवारा और फिल्म में राज ने राज रघुनाथ नाम का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म को भी राज ने ही निर्देशित और निर्मित किया था। सन 1953 में राज को फिल्म आह में देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक राजा नवाते थे और फिल्म में राज ने राज राय बहादुर नाम का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म में राज ने नरगिस के साथ ही अभिनय किया था। सन 1954 की बात करें तो उस साल तक राज एक बार फिर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का हिस्सा बने थे। उन्होंने उस साल फिल्म बूट पॉलिश में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक प्रकाश अरोड़ा थे और फिल्म के निर्माता खुद राज कपूर थे। फिल्म में राज को एक छोटे से दृश्य में देखा गया था। यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। सन 1955 में राज ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में अभिनय किया था। उस फिल्म का नाम श्री 420 था। फिल्म के निर्देशक वह खुद थे। इस फिल्म में राज ने रणवीर राज और राजकुमार ऑफ पिपली नाम को दर्शाया था। इस फिल्म को उस साल की सबसे लोकप्रिय फिल्म के रूप में देखा गया था। इस फिल्म में भी राज की जोड़ी अभिनेत्री नरगिस के साथ देखी गई है। सन 1956 में राज ने फिल्म जागते रहो में अपने शानदार अभिनय को दर्शकों के बीच पेश किया। इस फिल्म के निर्देशक सोमू मैत्रा और अमित मैत्रा थे। फिल्म में राज कपूर के अभिनय को सभी ने बहुत प्रशंसा की। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। उस समय तक राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना चुके थे। फिल्म चोरी चोरी में भी राज कपूर ने काम किया था। सन 1957 में राज कपूर ने फिल्म शारदा में अभिनय किया था। सन 1958 में आई हुई फिल्म फिर सुबह होगी। सन 1960 में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। सन 1964 में आई हुई फिल्म संगम। सन 1970 में राज कपूर को एक जोकर के किरदार को दर्शाते हुए देखा गया था। इस फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर था और फिल्म के निर्देशक निर्माता और एडिटर राज कपूर खुद थे। सन 1973 में राज कपूर ने फिल्म बॉबी में काम किया था। इस फिल्म में राज ने अभिनेता नहीं बल्कि एक निर्देशक और निर्माता के रूप में काम किया था। सन 1975 में राज कपूर ने अपने बेटे द्वारा निर्देशित की गई फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म का नाम धर्म करम था। सन 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक निर्देशक निर्माता एडिटर और कथावाचक की भूमिका राज कपूर ने निभाई थी। उसके बाद उसी साल राज ने फिल्म नौकरी में अभिनय किया था। सन 1982 में आई हुई फिल्म प्रेम रोग में उन्होंने निर्देशक निर्माता और एडिटर का काम किया था। सन 1985 में राज कपूर ने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपनी भूमिका दर्शाई थी। इस फिल्म में राज ने ना केवल निर्देशक निर्माता और एडिटर का काम किया था बल्कि उन्होंने इस फिल्म में एक लेखक की भी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली था। इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए थे और साथ ही साथ राज ने भी बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडिटर का अवार्ड अपने नाम किया था। राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के ना केवल एक बेहतरीन अभिनेता ही थे बल्कि उन्होंने अपना नाम एक निर्देशक निर्माता एडिटर और एक लेखक के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ दर्जे पर रखा था। राज कपूर ने अपने अभिनय की वजह से कुल 26 अवार्ड्स को अपने नाम किया था। हिंदी फिल्म जगत में दिए हुए योगदान की वजह से नेशनल अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। सन 1955 में फिल्म श्री 420 के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। सन 1964 में फिल्म संगम के लिए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडिटर का अवार्ड। सन 1971 में पद्मभूषण अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड शो की तरफ से फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 1987 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड। राज कपूर ने 1946 में अपने परिवार की मर्जी के साथ उनकी पसंद की लड़की से शादी की थी। राज कपूर की पत्नी का नाम कृष्णा मल्होत्रा था। कृष्णा और राज के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटों का नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर है और बेटियों का नाम रुचु नंदा और रीमा जैन है। राज कपूर एक शादीशुदा व्यक्ति होने के बाद भी हिंदी फिल्म की अभिनेत्री के साथ अक्सर चर्चा में रहते थे। राज कपूर और अभिनेत्री नरगिस के बीच बहुत गहरा प्यार था। उन दोनों ने
कई फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम किया था। हालांकि राज ने नरगिस के साथ के रिश्ते को ना तो कभी किसी के सामने स्वीकार किया और ना ही कभी झुठलाया था। राज कपूर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए आखिर में नरगिस ने ही इस रिश्ते को ख़त्म किया और अभिनेता सुनील दत्त के साथ शादी की थी। नरगिस के साथ अलग होने के बाद राज का नाम और अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ता रहा। राज का नाम 1960 के दशक में अभिनेत्री वैजयंती माला के साथ भी जुड़ा था। इन दोनों के रिश्तों का खुलासा खुद राज कपूर ने ही किया था, जबकि वैजयंती माला ने इन खबरों को हमेशा झूठी कहा था। राज कपूर ने अभिनेत्री पद्मिनी को भी डेट किया था, जिसका खुलासा राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने सन 2017 में किया था। राज कपूर दोस्तों के बहुत करीब रहते थे। उनके हिंदी सिनेमा में सबसे करीबी दोस्त प्राण, मुकेश, देवानंद, दिलीप कुमार साहब, राजेंद्र कुमार, मन्ना डे, शंकर जयकिशन, ऋषिकेश मुखर्जी, ख्वाजा अहमद अब्बास और राजेश खन्ना थे। राज कपूर के पसंदीदा चीज़ों की बात करें तो उन्हें खाने में बिरयानी, चिकन करी, पाव, अंडे, मूरी और मूंगफली, छोटे समोसे और कैरमल कस्टर्ड खाना बहुत पसंद था। राज कपूर के पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार थे और अभिनेत्रियों में वह नरगिस को पसंद करते थे। राज की पसंदीदा फिल्म मेरा नाम जोकर थी। तो दोस्तों, राज कपूर के बारे में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।